हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलविश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलविश यादव के ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बनाया ध्रुव राठी ने, जिसके बाद एलविश यादव ने जो पार्ट टू है उस पर रिएक्ट किया। जी हाँ, वो अपने ट्विटर पे लिखते हैं, तेरे रोज मजे लेने हो तो हर सेकंड तेरी गलती निकाल दूं, पर तेरे ऊपर बनाएंगे ग्रैंड मूवी, रेडी रहे। और नीचे एक वीडियो डालते हैं, आप देखें। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है। है नहीं, हाँ। इंग्लिश में दो शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा प्रोनाउंसिएशन, ये कॉमन एरर है। उच्चारण को अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन। इसमें नन आता है, नाउन नहीं। लोग इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, विच इज रॉन्ग, वो गलत है। और साथ ही साथ उनके वीडियो के कुछ कुछ क्लिप्स भी निकाल कर डालते हैं, जिसमें वो लिखते हैं इंजाम को पकड़ लिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से इंजाम लगे। और एक और वीडियो डालते हैं जहाँ पर वो लिखते हैं अर्पित होता है अनपढ़, अप्रित नहीं। इसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर, या वो भी पीएम मोदी के चरणों में अप्रित कर डाली? तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अदनान वीकेंड के वार पर बिग बॉस से एलिमिनेट हो गए थे, एंड अब उनकी तरफ से एक वीडियो देखने को मिला जहां वो सबसे पहले अपने एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर एलविश यादव से रिलेटेड इनडायरेक्टली बात करते हुए नजर आते हैं। आप देखें, बहुत सारे नकली गैंगस्टर लोग की आवाज भी बहुत निकली है, तो अभी एक एक का उतारा लेऊंगा, सबका टोटल होगा, सबका हिसाब किताब होगा। सिस्टम को हैंग करना है अभी, बहुत जो बड़ी बड़ी बातें आके किए ना कि किसको क्या इलाज की जरूरत है, तो अभी आके सबका एक एक का इलाज करेंगे। तो अभी थोड़ा देख लेता हूँ कि कितनी बातें हुई है, बहुत सारे वीडियोस बने हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेता हूँ, फिर एक बार में लेंगे उतारा। सिस्टम हैंग। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, पूरब झा ने एक पैरोडी वीडियो बनाया जिसमें वो अजाज खान बने हैं, और साथ ही साथ कैरी नाटी को जो धमकी देते हुए नजर आए थे अजाज खान, उनका वो पैरोडी बनाए। अब वीडियो देखें। ये कैरी है, मेरा मास्क उतार, इसने मेरा करियर रिवाइव किया है, मेरे सारे फैंस इसको थैंक यू बोल दो। चलो फटाफट। कोई नहीं सर, आपको फेम मिल गया ना, आप खुश रहो। अरे कैरी, तू ऊंची लोग, अरे ऊंची, समझा गया बेटा? यही होता है, हर बिल में हाथ डालने का, पता नहीं कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ जाए, समझा क्या? बाकी एक बिहारी है मेरे पे रोस्ट ला रहा है, वो उसको दिल्ली से लाऊंगा मैं, बम्बे लेके आऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा सबके आगे, समझा क्या? चल रहे ओची लोग हैं हम लोग, ओची। तो इस चीज पर अजाज खान गुस्सा हो गए और वो पूरब झा से रिलेटेड एक वीडियो लगाते हैं, आप देखें। बहुत सारे और बहुत सारे कुत्ते निकल के आ रहे ले, और एक वो मेरी गर्लफ्रेंड थी पुरानी, उसका बेटा भी आ रहा है, वो पूरब झा। अरे बेटा थोड़ा लिहाज रख बेटा, मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था, उसका तो लिहाज रख, ऐसा मत कर बेटा। देख तेरी आंखें मेरे जैसी हल्की हल्की, देखा तू? हाँ बेटा। अरे बेटा ऐसा नहीं करते यार पप्पा के साथ। तो इस चीज पर पूरब झा ने भी रिएक्ट किया और अपनी स्टोरी पर वो बहुत सारी बातें बताते हुए नजर आते हैं, और क्या कहते हैं अब सुने। जो मुझे बता रहा है ना अपना पापा और ये, वो भाई जिस उम्र के तुम हो मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकता भाई, बहुत बड़े हो तुम, ठीक है? तुम्हारी माँ बहन और इन सब चीज़ों पे मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा धर्म मेरा ज़मीर ये सब नहीं कहता, ठीक है? इन्जॉय करो भाई, करते रहो, वेरी गुड, वेरी गुड। और भाई मैं तो टैग नहीं करूँगा, जिसको समझना है वो समझ जाओ, मैं टैग दे के नहीं फेम देना चाह रहा, ठीक है? इंगेजमेंट बहुत अच्छी है मेरी अभी, टच वुड, भगवान श्री राम की कृपा है, बहुत अच्छी इंगेजमेंट है, तो मैं टैग तो नहीं करूंगा, जिसको समझना है समझ जाओ, ठीक है? बाकी मौज लो। अजाज खान की तरफ से एक और वीडियो देखने को मिला जहाँ पर वो बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे जो भी रोस्ट करेगा उसे तो मैं बजाऊंगा, बेसिकली वो क्या कहते हैं अब वीडियो में देखें। कहाँ कहाँ से कुत्ते निकल के आ रहे और भोक रहे, भोको, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आ रहे, आओ आओ। अरे सबसे बड़ी बात है, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने यह बात बोली थी कि जो जो मुझे रोस्ट करेगा मैं उसकी बजाऊंगा। अब तुम लोग सारे ही रोस्ट कर रहे हो तो सबकी बजाऊंगा बेटा, बजा। वेल गाइज, आपका क्या ओपिनियन है अजाज खान की इस कंट्रोवर्सी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।